बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट लोगों ने ढूंढ लिया है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार की पारी, जिस प्रकार की तूफानी पारी, जिस प्रकार से गेंदबाजों पर बरसते थे रोहित शर्मा, उसी प्रकार का तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भारतीय टीम को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, T20 क्रिकेट में इसी प्रकार के बल्लेबाजों का वर्चस्व है। ऐसी ही बल्लेबाजी का इंटेंट होना चाहिए, बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यही मानना है। पर दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा की जगह लेंगे, अगर अभिषेक शर्मा T20 में ओपनिंग करेंगे, तो SSB जायसवाल का क्या होगा? सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि SSB जायसवाल ने क्या गलती करी है जो अभिषेक शर्मा को उनकी जगह पर खिलाया जाएगा। देखो, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से एक तो फिक्स रहेगा दूसरे ओपनर के रूप में, क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग में स्लो पारी खेलते हैं और बाद में बिग हिटर बनकर साबित होते हैं। जिसमें से अगर इन दोनों में मुझे पर्सनली चूज करना हो कि कौन सा बेस्ट ओपनर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ एक बेस्ट ओपनर साबित हो सकते हैं। मेरी नज़र में गिल और ऋतुराज गायकवाड़ का कुछ ये रेशियो है, ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर, गिल यहाँ पर। लेकिन इधर SSB जायसवाल और अभिषेक शर्मा, इसमें लोगों का मानना यह है कि T20 में अभिषेक शर्मा को परमानेंट ओपनर बना देना चाहिए। लेकिन मेरा ओपिनियन क्या है, SSB जायसवाल के पास एक्सपीरियंस आ चुका है। SSB जायसवाल ने बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हैं। SSB जायसवाल ने प्रेशर में बल्लेबाजी की है। SSB जायसवाल ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने मैन ऑफ द सीरीज बने थे। SSB जायसवाल ने भारत को बहुत सारे प्रेशर मैचेस में मैच जितवा के दिया है। SSB जायसवाल के पास काफ़ी अनुभव है। वहीं पर अभिषेक शर्मा अभी जिम्बाब्वे के सामने ही दो मैच खेले हैं। एक मैच में तो जीरो पर आउट हो गए थे और दूसरे मैच में उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक शानदार शतक भी जड़ा था। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है, आप खुद ही बताइए। जायसवाल और अभिषेक शर्मा में से देखा जाए तो अनुभव की कमी अभिषेक शर्मा के पास है। नो डाउट प्लेयर बहुत अच्छा है, आईपीएल में उसने हम सभी को प्रभावित किया। ट्रेविस हेड की बराबरी कर रहा था, ट्रेविस हेड जैसा ही खेल रहा था। ट्रेविस हेड बहुत एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस देखा जाए तो SSB जायसवाल के पास ज़्यादा है। तो अगर आपको दोनों ओपनर में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताइए SSB जायसवाल या फिर अभिषेक शर्मा। वैसे आप लोगों को एक और सवाल मैं दे देता हूँ, फ्यूचर में, भविष्य में भारत के जो दो मुख्य मेन ओपनर हो सकते हैं वो कौन होंगे? SSB जायसवाल, शुभमन गिल। SSB जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़। या SSB जायसवाल, अभिषेक शर्मा। या ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल। कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ एक और खास वीडियो में।